दोनों का अपना जोन है, डिवाइन का अपना जोन है, बहुत हार्डकोर है, रनी वे का अपना जोन है, बहुत फन 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 रैप्स बनाता है वो, और बहुत ही पावरफुल, बहुत ही अच्छा परफॉर्मर है वो। सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के वीडियो में भी आप लोगों को हिप हॉप के बहुत सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स मिलने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और जो नए लोग वीडियो को देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि हम लोग जल्दी से 100K तक पहुंच जाए। तो पहले बात करेंगे ग्रेविटी के बारे में। तो ग्रेविटी का एक न्यू ट्रैक आउट हुआ है और ट्रैक का नाम है समय। ट्रैक की बीट प्रोड्यूस किया है शिभांग ने। ट्रैक में ग्रेविटी ने अपने लाइफ के जर्नी के बारे में बात किया है और लिरिक्स बहुत ही ज्यादा डीप है। तो ट्रैक के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके ट्रैक को सुनना। आई एम श्योर चारों तरफ इस बीफ के माहौल में आपको कुछ अलग ही फील मिलेगा। तो अभी बात करेंगे ब्रदावी के बारे में, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ क्लैरिफाई करना है। तो बहुत लोग मुझे ये बोलते हैं कि भाई तू ब्रदावी क्यों बोलता है, मतलब कि ब्रोदावी या ब्रोधावी क्यों नहीं बोलता है। तो मेरा एक्सप्लेनेशन ये है कि भाई को हम लोग बोलते हैं ब्रदर, और ब्रदर से आया है ब्रदा, तो इसीलिए मैं ब्रदावी को ब्रदावी ही बोलता हूँ। और बाकी भाई लोग, आप लोगों को पता है कि मैं बंगाली हूँ, तो हिंदी में मेरा हाथ बहुत ही ज्यादा टाइट है, तो भाई समझ के थोड़ा बहुत मेरे हिंदी के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करना, बस इतना ही बोलूंगा। तो ब्रदावी ने आज भी अपने इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरीज डाले और स्टोरीज में ब्रदावी ने आज भी एमी बंटाई के कुछ फैंस को ट्रोल किया। तो शायद कल वाले ब्रदावी के स्टोरीज के बाद एमी बंटाई के कुछ फैंस जाके ब्रदावी को टकलू, सिस्टा भी एसेट्रा एसेट्रा बोल रहे थे, और वो लोग शायद इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं कि उनको लगा ब्रदावी ने स्टोरीज में एमी बंटाई को डिस किया। तो एक स्टोरी में ब्रदावी ने लिखा, एलकेजी के बुक्स फेंक के मारेंगे एंड दे स्टिल वोंट नो व्हाट हिट देम, स्टे अवे फ्रॉम मी, आई डोंट वांट टू बी फेमस, मतलब कि मेरे से तुम लोग दूर रहो, मुझे फेमस नहीं होना है। और अगली एक स्टोरी में ब्रदावी ने एक एग्जांपल दिया कि एमी बंटाई के एक फैन आके उनको पहले बोलते हैं, ही हैज मोर फॉलोअर्स देन यू, यू ओनली वांट फेम, वो तुम लोगों को रिस्पांस नहीं देगा। मतलब ब्रदावी अगर एमी बंटाई को डिस करेंगे तो एमी बंटाई ब्रदावी को रिप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रदावी के पास फॉलोअर्स कम है। और ये बोलने के बाद वही एमी बंटाई के फैन जिसके पास 29 फॉलोअर्स है, वो ब्रदावी को बोलते हैं कि व्हाई आर यू नॉट रिस्पॉन्डिंग टू मी, फट गई क्या। तो ब्रदावी ने अपने स्टोरीज के थ्रू एमी बंटाई के कुछ फैंस को ट्रोल किया है। तो आप कॉमेंट करके बोलना आपको इस मैटर पे क्या बोलना है। तो अभी बात करेंगे एमसी स्टैन के बारे में। तो एमसी स्टैन का ट्रैक तरी पार कल रिलीज होगा। तो एमसी स्टैन ने आज इंस्टाग्राम पे अपना एक पिक्चर अपलोड किया और जिसके कैप्शन में एमसी स्टैन ने लिखा, बाद में बात करता, कल गाना ड्रॉप कर रहा। तो चलिए कल के लिए वेट करते और देखते हैं एमसी स्टैन का ट्रैक कैसा होता है। तो अभी बात करेंगे मुफार और किंग रॉको के बारे में। तो आप लोगों को पता ही होगा कि मुफार और किंग रॉको का कुछ टाइम पहले एक कंट्रोवर्सी हुआ था, जहां पे मुफार ने किंग रॉको को अपने ट्रैक में सबलिमिनल डिस किया था और उसके बाद किंग रॉको ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे मुफार को रिप्लाई किया था। तो अभी जाके दोनों के बीच सब कुछ सही हो गया है। तो किंग रॉको ने कल अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाला और जो कि किंग रॉको और मुफार की कॉन्वर्सेशन की पिक्चर थी, मतलब की स्क्रीनशॉट। और वहां पे किंग रॉको ने लिखा, सो कीप ड्रॉपिंग डिफरेंट थिंग्स ब्रो, नहीं तो ये डिस के चक्कर में एंटरटेनमेंट खाने वाले लोग हमारी असली आर्ट देखना छोड़ देंगे। बाकी चीयर्स बॉय, यू डूइंग ग्रेट, मेरी नजरों में तू और कृष्णा दोनों ही आतंक बंदे हो, वो भी अपना भाई है, तुझे भी भाई ही मानता हूँ मैं मेरी जान, कभी कोई दिक्कत हो या तेरे किसी भी काम आ सकूं तो लेट मी नो। तो उसके बाद मुफार ने किंग रॉको को रिप्लाई करते हुए लिखा, कोई नहीं, सारी नेगेटिविटी साइड रखो एंड कीप ग्रोइंग लाइक दिस। तो उसके नीचे किंग रॉको ने लिखा, आई नो दिस इज अ पार्ट ऑफ हिप हॉप कल्चर बट लव इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, वी ऑल नीड सम ऑफ इट, गो चेक आउट हिज बैक फ्लिप सॉन्ग, शो सम लव। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, मुफार और किंग रॉको के बीच में मैटर अभी सही हो गया है। तो आगे चल के देखते हैं इन दोनों का कोई कोलैब हमको देखने को मिलता है या नहीं। तो अभी बात करेंगे गेंगिस खान एके कैमो के बारे में। तो गेंगिस खान को किसी ने उनके इंस्टाग्राम पे पूछा, ब्रो डिवाइन हैज स्टार्टेड बीफ विद एमी बंटाई। तो इसका रिप्लाई देते हुए गेंगिस खान ने लिखा, ब्रदर Not one rapper in India experienced any physical violence, gang fights, etc. It is not beef. It is called drama. No one will get hurt and no rapper will ever die from violence there. It is the safest place to be a fake rapper. तो उसके बाद गेंगिस खान ने एक और स्टोरी में डिवाइन का एक फोटो डाला और जहाँ पे गेंगिस खान ने लिखा, When you grow up studying deep waters your whole life, copy the movement, give it another name and claim to be original. तो उसके बाद गेंगिस खान ने एक और स्टोरी डाला और जहाँ पे उन्होंने डिवाइन के साथ उनका एक पिक्चर अपलोड किया और नीचे उन्होंने लिखा, डिवाइन वॉज रैपिंग डीप वाटर्स मुंबई व्हेन ही साइंड विद सोनी इंडिया, मतलब कि जिस टाइम डिवाइन सोनी इंडिया के अंडर साइंड हुए उस टाइम पे डिवाइन डीप वाटर्स मुंबई के साथ थे, और उसके कुछ टाइम बाद डिवाइन ने डीप वाटर्स मुंबई का नाम चेंज करके गली गैंग रख दिया और इंडिया में किसी को गेंगिस खान एके कैमो के डीप वाटर्स के बारे में पता भी नहीं चलने दिया। तो उसके बाद गेंगिस खान ने लिखा,
अर्न अ लिटिल फेम एंड यू फॉरगेट द निगाज दैट टॉट यू एवरीथिंग। तो यहाँ पे गेंगिस खान ने सीधा डिवाइन को टारगेट किया है। तो कुछ महीने पहले भी गेंगिस खान ने इस मैटर पे स्टोरीज डाले थे, तो उस टाइम पे डिवाइन की एक डॉक्यूमेंट्री आया था जिसका नाम था गली लाइफ द स्टोरी ऑफ डिवाइन। और बेसिकली उस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया कि डिवाइन ने कैसे लाइफ में स्ट्रगल किया और सक्सेसफुल बने। लेकिन पूरे डॉक्यूमेंट्री में डिवाइन ने कहीं पे भी गेंगिस खान एके कैमो या डीप वाटर्स मुंबई के बारे में बात नहीं किया। और उसके बाद उस टाइम पे गेंगिस खान ने अपने इंस्टाग्राम पे बहुत सारी स्टोरीज डाले और उन स्टोरीज में उन्होंने बताया कि उन्होंने कैसे डिवाइन को हेल्प किया था और कैसे उनका हेल्प लेकर डिवाइन सक्सेसफुल बने। लेकिन सक्सेस मिलने के बाद डिवाइन ने उनको और डीप वाटर्स को कोई भी क्रेडिट नहीं दिया। तो आप लोग अगर देखना चाहते हो तो जो स्टोरीज उन्होंने उस टाइम पे डाला था वीडियो को पॉज करके आप वो देख सकते हो। तो उस टाइम के बाद अभी गेंगिस खान ने फिर से डिवाइन के बारे में सेम चीजें अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में बोला। तो आप लोग बताओ इस मैटर पे आपका ओपिनियन क्या है। तो अभी बात करेंगे इक्का के बारे में। तो इक्का को एक लाइव वीडियो में एमए बंटाई और डिवाइन के बीफ के बारे में पूछा गया, तो उसका रिप्लाई देते हुए इक्का ने कुछ ऐसा बोला। भाई दोनों ही बेहतरीन है, दोनों का अपना जोन है, डिवाइन का अपना जोन है, बहुत हार्डकोर है, रनी वे का अपना जोन है, बहुत फन रैप्स बनाता है वो, और बहुत ही पावरफुल, बहुत ही अच्छा परफॉर्मर है वो, और दोनों ही अच्छे हैं भाई अपने जोन में। भाई मेरे को ये लगता है कि ना मुंबई में ना हर रैपर एक ऐसा रैप कर रहा है भाई, हर रैपर के पास एक ही जैसी बातें हैं, उनके पास एक ही ऐसी, मतलब 15 साल का बच्चा है कह रहा मेरा स्ट्रगल भाई, अरे 15 साल की उम्र के बाद स्ट्रगल यार, 18 साल का बच्चा कह रहा मेरा स्ट्रगल है भाई मेरी जिंदगी में, मैंने क्या स्ट्रगल है यार, मतलब पैदा तो हो जाओ भाई फिर स्ट्रगल भी कर लेना। पर मैं दिल्ली में लड़के देखे हैं भाई, मतलब हनी भाई ले लो, बादशाह भाई ले लो यार, मतलब दे आर सो मैनी यार, दे आर सो मैनी, मतलब 47 अब लो करा, 47 का नाम लोगों ने अब सुना है भाई, वो लड़का 10 साल से काम कर रहा है भाई, 10 साल से, और मैं उसे सुन रहा हूँ, उसके बाकी पुराने गाने सुनना भाई उसके, कभी जब वो अंग्रेजी में रैप करता था, मतलब ऐसे से लड़के खजाने भाई खजाने, मतलब बातें अलग, टॉपिक्स अलग, और यार यहाँ तो इंडस्ट्री हरी भाई ने खड़ी करी है भाई यार, रैप का मतलब लोगों को, बॉलीवुड को पता चला रैप होता क्या है, बताने वाला मौत से थे, पर वो है हमारे पास सीन नहीं था भाई, हमारे पास मार्केट नहीं थी, हमारे पास कभी भी मार्केट नहीं थी। मुंबई के लोगों को फायदा क्या हो गया, उनको एक तो गली बॉय मिल गई सबसे पहले, वो लाइम लाइट में आ गए सारे के सारे, फटाफट लाइम लाइट में आ गए, उसमें से कुछ लड़के बहुत बेहतरीन है जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अभी तक, पर बाकी कहां है भाई यार, बहुत सारे रैपर थे भाई उसके अंदर, बहुत सारे रैपर, पर वो बहुत एवरेज बातें हैं भाई यार, मैं देखा लोग ना सब डिवाइन को कॉपी करते हैं वहां पे मुंबई में, सब डिवाइन को कॉपी कर रहे हैं, उसी की तरह साउंड करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ एमीवे की तरह साउंड करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना साउंड नहीं है, डिवाइन तब डिवाइन है क्योंकि डिवाइन का अपना साउंड है, एमीवे तब एमीवे है क्योंकि उसके पास अपना साउंड है भाई। True. अगर आपको कुछ और बनना है तो अपना साउंड खोजो रेदर देन की भाई उसे फॉलो करो। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा इक्का डिवाइन और एमए बंटाई दोनों को ही सपोर्ट करते हैं। और उसके बाद अभी हिप हॉप सीन में जो चारों तरफ बीफ देखने को मिल रहा है उसके बारे में इक्का ने कुछ ऐसा बोला। वो सबसे बड़ी भाई ये डिसकल्चर भाई, ये नया आ गया भाई, फेमस होना डिस कर दो, डिस कर दो, हिस कर दो, डिस कर दो, अरे यार यार कुछ और कर लो भाई, दिमाग नहीं है क्या, मैं यही यार डिस कल्चर में सिर्फ अभी तक आप नहीं आए हो, बाकी सारे आर्टिस्ट जो है एक दूसरे को डिस करके कुछ, हमसे भिड़ेगा कौन, नंगा कर देंगे पारी, नंगा मतलब ऐसा हमसे भिड़ेगा कौन पाजी यार, मतलब मैं तो खुली चेतावनी है भाई, कोई मैं पारी मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं किसी को तू तू मैं करूं पहले, पर जो करेगा उसे छोड़ेंगे नहीं पारी, फिर उसे घर से गिर देंगे पारी, वो अपना मेरा इंटरेस्ट नहीं है पारी, मैं बस यही कहता हूँ कि यार क्रिएटिव रो और लोगों को वो दो जो उनके पास नहीं है अभी, और हिप हॉप को अगर बड़ा करना है तो इस चीज से बाहर निकल के कुछ और बना दो भाई, नहीं तो हिंदुस्तान में हिप हॉप सिर्फ डिस ही रह जाएगा भाई, डिस नहीं होगा तो बाहर पड़ी, बिकॉज रैप जब ओरिजिनेट हुआ था ब्लैक्स का म्यूजिक था यू नो उस साइड से आया था रैप कल्चर, मेरे को सिर्फ इतनी सी बात बताओ कि वहां पर तो डिस करने का कल्चर था, मतलब एक होता है डिस करना है इसके पर्सनली ले लेना, एक होता है कंपटीशन, और डिस करना है कंपटीशन, यू नो आपके अंदर से कंपटीशन, मैं आपको ललकारू, मैं आपको चैलेंज करूं, आपके अंदर से आपका बेस्ट निकलेगा, सो इजंट डिस करना समवेयर ऑर द अदर अ लिटिल बेटर, क्या आपको मैं पुश करूं जस्ट टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ यू, भाई आपको पता है बाहर है ना, मतलब रीजन से डिस होते हैं भाई यार, और छोटे छोटे रीजन से डिस नहीं होते वहां पे, कि भाई उसने मुझे वहां बुलाया नहीं, उसने मेरा गाना शेयर नहीं करा, या उसने मेरे दोस्त को कुछ बोल दिया, वहां उसने कुछ कर दिया, कर मैं भी सकता था डिस भाई, कर मैं भी सकता था एक टाइम पे, पर मेरे को लगा नहीं पा रही यार कि मैं अपनों की बेइज्जती करके कुछ कमा लूं और खा लूं, नो पा रही यार, नो मेरा नेचर नहीं है पा रही यार वैसा, मेरे को बहुत बुरा लगा कि मैंने वो भी क्यों करा जो मैंने करा था एक टाइम पे, मैंने कहा मैंने को, मेरे को लगा अगले दिन यार मैंने, मेरे को करने की जरूरत नहीं थी यार, मेरे को कुछ हुआ नहीं था, बस मेरे को कोई चीज बुरी लगी, रफ्तार ने किसी इंटरव्यू में कोई बात करी थी जो मेरे को चुभ गई थोड़ी सी यार, और वो मैं उसकी हमेशा तारीफ ही करी है भाई,
चाहे कोई इंटरव्यू देख लेना, चाहे कोई गाना देख लेना, मैंने कभी किसी का नाम लेके कभी किसी को डिग्रेड करने की कोशिश नहीं करी मैंने कि मैं उसको नीचे ले आऊं या फिर उसको ऊपर ले आऊं या फिर वो मेरे लिए बढ़िया या फिर मेरे लिए। मैं दुनिया को डिस्कस करता था भाई, मेरे साथ बहुत बुरी चीजें हुई हैं या फिर लोगों ने क्या क्या करा, अगर मैं बोलने पे आया तो मेरे पास तो बहुत सारी चीजें हैं भाई बोलने के लिए कि क्या क्या हुआ, पर मैं चाहता नहीं पर यार कि मैं ये करके अपने दोस्त को भी नीचे कर दूं और खुद भी नीचे चला जाऊं, क्योंकि ये एक हद तक फिर ना ये हमेशा के लिए हो गई भाई। एक बार आपने किसी को बुरा बोल दिया वो हमेशा के लिए छप गया, तो इन चीजों में पढ़ता नहीं पर यार, मैं इन चीजों में पढ़ता नहीं। और लोगों ने क्या है कि ना उनका मतलब भी नहीं, वो डिस कर रहे हैं, उनको पता है कि इट्स द इजिएस्ट वे अभी राइट नाउ, क्योंकि सपोर्ट भी डिस को कर रहे हैं। मतलब मैं ये नहीं कहता भाई कि डिस कल्चर नहीं है, पर बार भाई गोलियां मार देते हैं डिस में, बार ये नहीं होता, बार ये नहीं होता कि ट्विटर पे लिख दिया, इंस्टाग्राम पे उसको लिख दिया, उसको वो कर दिया, बार गोली मार देते हैं बाजी। तो आप लोगों ने सुना इक्का ने बीफ के बारे में क्या बोला, और इक्का को इस लाइव वीडियो में ये भी पूछा गया कि इक्का ने आखिर माफिया मुंडीर क्यों छोड़ा, तो इसका भी रिप्लाई इक्का ने दिया। तो चलिए देख लेते हैं इक्का ने एग्जैक्टली क्या बोला। तो आपकी एक उस लाइन का आंसर चाहिए होगा, आप बिना चाहो ना चाहो, जो आपने गाने में भी खुली छोड़ दी थी, ये नहीं बताऊंगा कि छोड़ा मैंने क्यों। मैं इसलिए छोड़ा भाई, किसी ने मेरे को जाके बोला, हनी सिंह ने तेरे को निकाल दिया, हनी भाई को जाके बोला कि भाई इक्का ना छोड़ दिया, अब मैं क्या बोलता इससे आगे भाई, फिर मैंने कुछ बोला ही नहीं। आपको बोला आके कि हनी सिंह ने आपको निकाल दिया? हाँ, क्रू में से, और हनी भाई को जाके बोला कि इक्का ना छोड़ दिया, तो बस दैट्स इट भाई। और आपने हनी भाई से क्लेरिफाई किया? जी, आप मानोगे नहीं, मेरे को स्टूडियो ना हनी पाटी का स्टूडियो लेके नहीं जाते थे लोग, अपने दोस्तों को लेके गए हैं जिनका कोई म्यूजिक से लेना देना नहीं है, जिनका कोई लेना देना नहीं है म्यूजिक से, उनको लेके वो स्टूडियो जा रहे हैं, बैठ रहे हैं गप्पे, हनी भाई पूछ रहे हैं क्या कहा है, पता नहीं भाई वो कहाँ है, उसको फोन करते हैं उठाता नहीं है, कहाँ घूम रहा है पता नहीं भाई। बड़ी पॉलिटिक्स थी भाई। तो आप लोगों ने सुना इक्का ने बोला कि उन्होंने क्यों माफिया मुंडीर छोड़ा, तो आप लोग अगर इस मैटर पे कुछ बोलना चाहते हो तो कमेंट करना। तो चलिए वीडियो अगर सही लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए मैं आप लोगों से मिलता हूँ एक नए वीडियो में, और तब तक के लिए घर में रहिए और सेफ रहिए।